त्रिमूर्ती ताज मंगल बौद्धेश्वर सेवा संस्था यांच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही भगवान नगर ग्राउंड रामेश्वरी येथे हजरत बाबा ताजुद्दीन यांचा 163वा वाढदिवसाचे 4 दिवसीय जंगी आयोजन केल्या गेलं होतं. यावेळी अमेरिकन रॉकस्टार पिंकी पारस यांची प्रमुख उपस्थिती होती. लोकांमध्ये एकात्मता वाढवण्यासाठी या कार्यक्रमाचं आयोजन केल्या जात असल्याचं त्रिमूर्ती ताज मंगल बौद्धेश्वर संस्थेचे अध्यक्ष सूरजजी सोमकुवर यांनी सांगितलं. नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सभी को मेरा सलाम. मैं त्रिमूर्ति ताज मलंग फाउंडेशन के अध्यक्ष सूरजजी सोमकुवर उर्फ मलंग बाबा. हर साल की तरह हम बाबा ताज का जन्मदिन यहाँ मनाते हैं सर्व धर्म एकता के हिसाब से. यहाँ सभी मजहब के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे को एकता को मिलाने के लिए हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल. इस प्रोग्राम को आज 13 साल हो गए और ऊपर वाले की दुआ से 13 साल से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल ही रहा है. छोटे लेवल से इस प्रोग्राम को भी भव्य लेवल पर लेके गए और बड़े दूर दूर से लोग आते हैं. आज अमेरिका से हमारे दोस्त है रॉक स्टार पिंकी पारस, वो भी आए हैं, और जाने माने कव्वाल रईस अनीस साहब भी, वो भी आज हाजिर देने के लिए आए. देखो उनको बड़ा अच्छा लगता है, एक तो हम 4 दिन महाप्रसाद रखते हैं और लोगों को जोड़ने का जो ये प्रोग्राम एक बहाना है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, है ना. यहाँ सभी कल्चर के सभी मजहब के लोग आते हैं और सब आपस में भाईचारा दिखा के प्यार दिखाते हैं. बस यही मेरा मकसद है कि सब एकता रहे, सब साथ में रहे, इसी भावना से ये प्रोग्राम को सजाया जाता है. देखिए बाबा ताजुद्दीन का जो जन्मदिन है बड़ी धूमधाम से हर साल मनाया जाता है और जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं और कव्वाली का स्पेशल प्रोग्राम रखा जाता है. तो इस बार भी बहुत धूम धड़ाके से मनाया जा रहा है. तो मैं आई हूँ और मेरी शान बोलिए क्या बोलिए 26 जनवरी के लिए हर जगह सजावट है. बाबा ताजुद्दीन के बर्थडे के लिए भी सजावट है. ऐसा लग रहा है जैसे कि दिवाली हो रही है यहाँ पे. यहाँ की लोगों का प्यार मोहब्बत, जब भी मैं हिंदुस्तान आती हूँ नागपुर ज़रूर आती हूँ क्योंकि बहुत केयरिंग लविंग पीपल है यहाँ पे. तो नागपुर से मुझे खास ही लगाव है. मैं पिंकी पारस USA से आई हूँ आप सबसे मिलने के लिए.